हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुजाहिदुल इस्लाम और आप देख रहे हैं न्यू लर्निंग सेगमेंट्स। न्यू लर्निंग सेगमेंट्स की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं एक नया वीडियो लेकर के। आज का वीडियो का टॉपिक होगा हैड टू, और ये हैड टू पास्ट फॉर्म है हैज टू और हैव टू का। कोई भी जब जैसे हम मीनिंग में जैसे हमको जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या लिखना है या पढ़ना है, इस तरह का मीनिंग लेने के लिए हम हैज टू और हैव टू का यूज़ किए थे। अगर हम यही मीनिंग पास्ट टेंस में करना चाहें, जैसे हमको लिखना पड़ता था या लिखना था, जाना पड़ता था या जाना था, इस तरह का सेंस लेने के लिए हम वर्ब टू डू के साथ हैड टू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। अब यह सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे हमने बताया था कि ही, शी, इट या फिर कोई नाम। प्लुरल सब्जेक्ट में यू, दे, वी, आई, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स यूज होंगे, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे हैज़ टू में सिंगुलर किए थे और हैव टू में प्लुरल का किए थे, यहाँ सब सिंगुलर और प्लुरल सारे सब्जेक्ट यूज़ होंगे। उसके बाद हैड टू का यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में जैसे हमने हैज़ टू और हैव टू में वर्ब टू बी के ऊपर बेस करके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बनाया था, उसी तरह वर्ब टू हैव के साथ भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बनाया था, उसी तरह वर्ब टू डू में हमने प्रेजेंट का वीडियो शेयर किया था। अब इसके बाद हम वर्ब टू डू के साथ पास्ट का फॉर्मूला यूज़ करने चले हैं, शेयर करने चले हैं। तो आइए इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। इससे पहले भी हम जिक्र किए हैं कि हैज़ टू और हैव टू का फॉर्मूला यूज़ होता है वो नेसेसिटी समझाने के लिए होता है, उसी तरह कंपल्सन समझाने के लिए होता है, उसी तरह ऑब्लिगेशन समझाने के लिए भी होता है। तो आइए उसका कुछ एग्जांपल भी देख करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है, स्टूडेंट्स हैड टू ओबे देयर टीचर्स। स्टूडेंट को उनके टीचर्स का ओबे करना चाहिए, उनका हुक्म मानना था। इसका मीनिंग हम ट्रांसलेशन करेंगे, स्टूडेंट हैड टू ओबे देयर टीचर्स। स्टूडेंट को अपने टीचरों की बात माननी थी। इसी तरह और भी कह सकते हैं, स्टूडेंट हैड टू ओबे देयर टीचर्स। स्टूडेंट को अपने टीचर की बात माननी थी। दूसरा है, वी हैड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना था। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैड टू लर्न कंप्यूटर। उन्हें कंप्यूटर पढ़ना था, उन्हें कंप्यूटर सीखना था। ये भी कर सकते हैं इस तरह और भी एक में, जैसे ही हैड टू लर्न कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर पढ़ना पड़ा था। ये भी मीनिंग हम कर सकते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस है, इरशाद हैड नॉट टू चीट विद हिज फ्रेंड। इरशाद को अपने दोस्तों के साथ चीट नहीं करना था। ये मीनिंग भी करेंगे, और नहीं पढ़ा था, ऐसा भी मीनिंग हम कर सकते हैं। यू हैड टू गिव चैरिटी टू द पुअर। तुम्हें गरीबों को चैरिटी देना था। ये भी मीनिंग ले सकते हैं। दूसरा, यू हैड टू गिव चैरिटी टू द पुअर। गरीबों को तुम्हें चैरिटी देना पड़ता था। ये कंपल्सन के मीनिंग में भी हम ले सकते हैं। You had to learn English to qualify in SSC. तुम्हें English पढ़ना था SSC में qualify करने के लिए, या ये भी कह सकते हैं SSC में qualify करने के लिए English पढ़ना पड़ता था। ये दो तरह के मीनिंग ले सकते हैं। पढ़ता था जब भी करेंगे तो वो हमको ज़्यादातर कंपल्सन के मीनिंग समझाता है, लेकिन ना था जब भी करेंगे तो उसमें हमारी नेसेसिटी समझाता है। लेकिन बैकग्राउंड ही मेन है दोस्तों, कि कोई ऐसा चीज़ जो हमको ज़रूर करना है वो कंपल्सन है, जैसे देश का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, यह हमारे लिए कंपल्सरी हमको समझना पड़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको कंपल्सन के मीनिंग में लेंगे। तो दोस्तों, ये था यूज़ ऑफ हैड टू
has to or have to का past form verb to do के साथ. तो आइए इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं. दोस्तों लास्ट में हम ये कहेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद होता है लाइक करें, शेयर करें और भी दोस्तों को मेरे साथ जोड़े और भी और अच्छे अच्छे सजेशन से हमको इनक्रेज करें ताकि हम अब बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके सामने हाजिर कर सकें. दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि हम बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर जो हम आपके सामने लाते हैं इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो लर्नर्स जो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं और ये सारे स्ट्रक्चर को हम उसके लिए बिल्कुल ईजी वे में हम बताते हैं ताकि उनके लिए भी इंग्लिश सीखना बहुत इजी हो जाए. दोस्तों यहाँ एक चीज़ हमने बताया है, इरशाद हैड नॉट टू चीट विथ हिज फ्रेंड. तो इसका सेंटेंस नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे ये हम फॉर्मूला नहीं बताए हैं. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके इसका ऊपर डिस्कस करेंगे. तो आज का वीडियो यहीं तक है, तब तक के लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मूवी.